हे देयर तनु मलिक दिस साइड, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज हम करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, स्पेशली एग्जामिनेशन स्टाइल। नरेशन बहुत ही इजी है, हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो में किया है और मोस्टली बच्चे इसको सिंपली सॉल्व कर भी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट। एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं डायलॉग फॉर्म्स में और बच्चे उसमें बहुत गलतियां करते हैं, तो आज हम लास्ट 10 ईयर्स के एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका एक भी नंबर कट ना हो एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ एग्जाम में आपको क्वेश्चन आने वाला है। रीड द कॉन्वर्सेशंस एंड कंप्लीट द रिपोर्ट गिवन बिलो ईच। आपके सामने कोई भी दो लोगों के डायलॉग्स होंगे डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट स्पीच में उनकी स्पीच को फिलप्स के फॉर्म में दिया होगा जिसे आपको कंप्लीट करना है। डू नॉट एड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, उसमें आप अपनी तरफ से कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन एड नहीं करेंगे। जो भी स्पीच दी है उसी को आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज Do not copy the whole sentence. Sentence को आपने as it is copy करके fill-up में नहीं लिखना है, आपने उसको indirect में change करना है। तो exam में जो आपको question आएगा वो बिल्कुल इसी form में आएगा, दो लोगों के बीच में dialogues होंगे। तो यहाँ पर जो dialogues हैं वो है doctor और patient के बीच में। So ये सारा जो दिया हुआ है ये है direct form में, जो directly इन दोनों ने आपस में बात की, और इसी को indirect form में यहाँ पर लिखा गया है। So direct है, डॉक्टर आई होप यू कैन रीड। डॉक्टर ने पेशेंट को कहा मुझे लगता है कि तुम पढ़ सकते हो। तो इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में हम कैसे बताएंगे? द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट, इतना इन्होंने दिया हुआ है, बाकी जो यहाँ पर सेंटेंस आना है वो हम खुद चेंज करेंगे। सो यहाँ पर गिवन है द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट, उसके बाद सारा ब्लैंक है। सो टोल्ड द पेशेंट के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा दैट, आई का क्या बन जाएगा, आई का बन जाएगा ही, होप का बन जाएगा होप, He hoped he can का बन गया could, he could read, right? तो आधा sentence यहाँ पर exam में आपको solve दिया हुआ है, जो left up है वो हम साथ साथ यहाँ पर solve कर लेंगे। तो A का हमारा answer आ गया, the doctor told the patient that he hoped he could read। इसी तरह से हम next करेंगे, the patient said that यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, the patient said that you may think it is funny but I can't, so the patient said that He might think it was, इसका क्या बन गया was, he might think it was funny but he could not। So आपने ध्यान दिया है हर जगह हमने present का past बना दिया, first form है तो उसकी second बन जाएगी। तो ये आ गया हमारा B का answer, the patient said that he might think it was funny but he could not। Then C is the doctor asked, Doctor, then why should I treat your eyes? The doctor asked, why should I का बन गया he? The doctor asked, why he should then treat your का क्या आ जाएगा? His आ जाएगा, pronoun में change होके। Why he should then treat his eyes? So इस तरह से हमारे ये तीनों solve हो गए हैं और answer हमारे बिल्कुल correct हैं। तो exam में आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है, dialogue form में आएगा, हाफ आपको गिवन है, हाफ आपने खुद सॉल्व कर लेना है और आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, आई प्रॉमिस। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको बोर्ड एग्जाम 2016 में आया था, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अनूप आस्ट अतुल, ये जो डायलॉग्स हैं ये अनूप और अतुल के बीच में है। सो अनूप आस्ट अतुल डैश, ये हम फिल करेंगे। अनूप ने अतुल से पूछा है, वेयर का वेयर ही रह जाएगा, वी का बन जाएगा दे, कैन का बन जाएगा कुड, so where they could meet tomorrow, tomorrow का क्या बनेगा the next day, where they could meet the next day, ये आ गया हमारा एक आंसर। सेकेंड इज अतुल replied dash, so अतुल replied that, बाकी हम क्वेश्चन से लेंगे, I का बन जाएगा he might not be able to meet you का क्या बन जाएगा him, फिर से आ गया टुमारो, इसका क्या आएगा द नेक्स्ट डे, ही माइट नॉट बी एबल टू मीट हिम द नेक्स्ट डे। सो इस तरह से हम ये यहीं पर साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। सो ये आंसर आ गया बी का। अनूप आस्क्ड इफ ही वाज गोइंग टू बी बिजी, इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है हमें, कुछ सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट है सी, अतुल सेड दैट ही, सो यहाँ पर दैट और ही गिवन है, मीन्स यहाँ तक ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, उसके बाद दैट ही विल का क्या बन जाएगा वुड, विल का पास्ट है वुड,
वुड बी ट्रेवलिंग, टुमारो का क्या बन जाएगा? द नेक्स्ट डे. ही वुड बी ट्रेवलिंग द नेक्स्ट डे, राइट. यहाँ पे टुमारो बार बार आया है तो हमें लर्न भी हो गया, टुमारो का बन जाएगा द नेक्स्ट डे. सो ये भी हमारा सॉल्व हो गया. और ये सॉल्व करना बहुत ईजी है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो दीज आर द आंसर्स. कहीं भी आपको डाउट है तो आप कुछ भी पूछ सकते हो. नेक्स्ट करते हैं. नाउ द डायलॉग्स आर बिटवीन डॉक्टर एंड करना. डॉक्टर, हैव यू गॉट द टेस्ट डन, क्या तुमने टेस्ट करवा ली है? करना, नो आई हैव नॉट. डॉक्टर, गेट देम डन टूडे इटसेल्फ. सो द डॉक्टर आस्क्ड करना. सो ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो इसमें दैट की जगह क्या आएगा? इफ या वेदर. द डॉक्टर आस्क्ड करना वेदर. अब बाकी सेंटेंस हम यहां से बनाएंगे. यू का बन गया ही, वेदर ही, हैव का क्या बन जाएगा? हैड. वेदर ही हैड गॉट द टेस्ट डन. ही रिप्लाइड दैट, दैट ऑलरेडी लगा हुआ है. आई का क्या बन जाएगा? ही. हैव का बन गया हैड, नॉट का नॉट ही रहेगा. तो ये आ गया हमारा बी का आंसर. देन सी इज द डॉक्टर आस्क्ड. तो यहाँ पर आस्क के बाद आ जाएगा टू. टू गेट, टू गेट देम डन. टुडे का क्या आ जाएगा? दैट डे. टू गेट देम डन दैट डे इटसेल्फ. तो ये आ गया हमारा सी का आंसर. और ये प्रैक्टिस सेट है आपका 2015 बोर्ड एग्जाम्स का. सो दीज आर द आंसर्स. आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए. नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. इट इज अ डायलॉग बिटवीन मदर एंड सूरज. सो मदर, यू सीम सो टायर्ड, टेक सम रेस्ट. इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है. मदर सेड टू सूरज दैट. बाकी हम सॉल्व करेंगे. यू का बन गया ही. ही सीम की सेकेंड फॉर्म क्या आएगी? सीम्ड. ही सीम्ड. सो का बन जाएगा वेरी. ही सीम्ड वेरी टायर्ड. एंड टेक सम रेस्ट, ये क्या है? ये एडवाइज है. सो एंड शी एडवाइज्ड, ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है. एंड शी एडवाइज्ड हिम, शी एडवाइज्ड हिम टू टेक सम रेस्ट. देन सूरज, सूरज रिप्लाइड दैट आई कैंट थिंक ऑफ रिलैक्सिंग. आई का बन जाएगा ही. कैन की सेकेंड फॉर्म कुड. ही कुड नॉट थिंक ऑफ रिलैक्सिंग. आई हैव लॉट्स ऑफ होमवर्क टू डू बिकॉज. इससे हम दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे ऊपर हमने एंड के साथ कनेक्ट किया था. बिकॉज ही हैड, हैव का बन गया हैड. ही हैड लॉट्स ऑफ होमवर्क टू डू. सो बी भी हमने सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट इज द मदर एडवाइज्ड सी ब्लैंक. You should not take so much of stress. So the mother advised not to take. Mother advised not to take so much of stress. So we are done with C also. और ये question आपको आया था 2015 के paper में. So each and every question is important. Make sure कि आप साथ साथ इनको practice कर रहे हो. And these are the answers. खुद से solve करने के बाद भी आप साथ साथ check कर सकते हो. Next question, fifth. Boys and Amelia. Boy said, Amelia, what have you done with our shoes? Amelia, do you think I came here to take them off your feet? So, indirect form mein hai, the boy stood puzzled and looked around for their shoes which were missing. They asked Amelia, ab Amelia se wo kuch pooch rahe hain, A blank. So, yahan tak inhone solve kiya hua hai, iske aage hum khud solve karenge. What have you? What ka what hi rahega? You kaun hai? Amelia, and she is a girl. What? She have का बन गया had. What she had done with our. Our कौन है? बहुत सारे boys हैं तो ये किस में change हो जाएगा? Their. What she had done with their shoes. Amelia pretending her ignorance about the shoes asked the boys. So इसमें हमें solve करना है सिर्फ इतना सा pattern. Do you think? So जब question mark है तो हमने लगा दिया if. If यू किसको बोला है? बॉयज को बोला है. सो इफ दे थिंक की सेकेंड फॉर्म क्या आएगी? थॉट. इफ दे थॉट दैट शी हैड गॉन देयर सी ब्लैंक. सो यहां तक फिर से गिवन है, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे. टू टेक देम ऑफ, ये बिल्कुल सेम आएगा. योर का क्या बन जाएगा? देयर. टू टेक देम ऑफ देयर फीट. सो ऑल द थ्री ऑप्शन आर सॉल्व. और ये आपको आया था 2012 के पेपर में. एंड दीज आर द आंसर्स. प्लीज प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली. नाउ देयर इज अ डायलॉग बिटवीन अ वुमन एंड अ स्ट्रेंजर. वुमन,
Could I have a look at your paper for a moment? I just want to see the cricket result. Stranger, I haven't quite finished with it. Could you wait for a moment? इसको indirect form में दिया हुआ है. A woman asked a stranger. अब इसे हमें change करना है. ये सारा किस में है? Question form में है. So सबसे पहले हम लगा देंगे if. I का बन जाएगा she. If she could have a look at his paper. Your का बन गया his. His paper for a moment. उसके बाद दिया है as she, सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया be blank. I का she नीचे गिवन है. As she, just का just ही रहेगा. Want first form में है. Want की second form wanted. As she just wanted to see the cricket result. बाकी सारा सेम आएगा. She just wanted to see the cricket result. That's it. Now last blank. The stranger told her that see blank. I का बन जाएगा he. Have का बन जाएगा had. He had not quite finished with that. It का बन गया that. उसके बाद वाला जो sentence है वो solve किया हुआ है. And requested her to wait for a moment. So this is solved. और ये आया है 2012 के paper में. And these are the answers. Now we are on 7th questions. The dialogues are between Nitin and Reshma. Nitin, do you have a new story book, Reshma? So, indirect form में है, Nitin asked Reshma, ये क्या है, ये question form में है. So, question form में है, तो हम यहाँ सबसे पहले लगाएंगे, if you का बन गया, she, have का बन गया, had, if she had a new story book. So, ये आ गया एक आंसर. उसके बाद दिया हुआ है रेशमा टोल्ड हिम दैट शी हैड नॉट बट स्टेटेड डैश स्टोरी बुक्स. रेशमा नो आई हैवंट बट आई लाइक स्टोरी बुक्स. सो स्टोरी बुक्स तक यहाँ पे दिया हुआ है और बट तक भी दिया हुआ है तो हमें सिर्फ आई लाइक को चेंज करना है. सो हैडंट बट स्टेटेड यहाँ पे आ जाएगा दैट बट स्टेटेड दैट. I का बन जाएगा she क्योंकि जो रेशमा है वो girl है और like का आ जाएगा liked that she liked story books. Nitin told her that Mala had a lovely book with many beautiful pictures. He suggested see blank and look at them. So हमें यहाँ पर solve करना है सिर्फ ये given है. So he suggested that us किस में change हो जाएगा they. He suggested that they let का बन गया should. They should go. So the sentence is they should go and look at them. और ये इसके answers हैं तो आप इसको अच्छे से practice कर लें. Now we are on the 8th questions. हम total 10 questions करने वाले हैं. 8 questions हम कर रहे हैं dialogue wise. और जो 9th और 10th question है वो बहुत special है. वो इससे थोड़ा सा different है. वो है जैसा आपको comics में dialogues होता है along with pictures. तो इसके बाद हम वो करेंगे. So the dialogues are between child and God. Child, how am I going to live on earth being so small and helpless? ये भी question form में है. So indirect form में है. A child asked God. इसके बाद on earth से दिया हुआ है. So यहाँ पर on earth के बाद सारा दिया हुआ है. हमें इससे पहले वाला solve करना है. So a child asked God. How का how ही रहेगा. How के बाद क्या आ जाएगा? प्रोनाउन आएगा. I का बन जाएगा ही. हाउ ही. एम का बन गया वॉज. हाउ ही वॉज गोइंग टू लिव. उसके बाद का सारा सेंटेंस आंसर में गिवन है. तो ए ब्लैंक में आ गया हाउ ही वॉज गोइंग टू लिव ऑन अर्थ बींग सो स्मॉल एंड हेल्पलेस. गॉड टोल्ड हिम दैट ही हैड चोजन फॉर हिम एन एंजल हु. एंड के बाद का सेंटेंस दिया हुआ है. हमें इससे पहले वाला सॉल्व करना है. Who के बाद दिया है will be. Will किस में चेंज हो जाएगा? Would be. Who would be waiting for you का क्या बन जाएगा? Child क्या है? He. और इसका प्रोनाउन आ जाएगा him. Who would be waiting for him. और बाकी सारा आंसर में गिवन है. तो हमें बहुत छोटा छोटा सेंटेंस चेंज करना पड़ रहा है. द चाइल्ड देन रिक्वेस्टेड गॉड. ये है चाइल्ड का डायलॉग. प्लीज टेल मी माई एंजल्स नेम. नेम यहाँ पे गिवन है. प्लीज का आ गया रिक्वेस्टेड गॉड टू. टेल का टेल आ जाएगा. मी का क्या आ गया हिम. टू टेल हिम
माय का क्या आ जाएगा? हिज। माय एंजल्स नेम। द चाइल्ड देन रिक्वेस्टेड गॉड, सी का आंसर हमने निकाल लिया, टू टेल हिम हिज एंजल्स नेम। बाकी सारा यहाँ पर गिवन है। ये बहुत इजी है, आपने बड़े बड़े डायलॉग्स को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप 1 मिनट में इसको सॉल्व कर लोगे। और ये क्वेश्चन आपको आया था 2011 के क्वेश्चन पेपर में। सो दीज आर द आंसर्स, प्लीज प्रैक्टिस। सो वी आर डन विद टोटल 8 क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज 9th, जो कि कॉमिक फॉर्म में है। कॉमिक में जैसे पिक्चर्स भी होती हैं और साथ में डायलॉग्स भी होता है, तो यहाँ पर आपको पिक्चर भी गिवन है। ये पिक्चर है रश्मि और जो ये है श्वेता। रश्मि और श्वेता के बीच में डायलॉग्स हैं। ये है रश्मि का डायलॉग और ये है श्वेता का डायलॉग, तो इसमें भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द ओनली थिंग इज ये कॉमिक फॉर्म में है। रश्मि का डायलॉग है, व्हाई डू यू लुक सो वरिड? श्वेता, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम्स। और इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। समटाइम्स आपको ऑप्शंस आ सकती हैं, अगर आपको ऑप्शंस नहीं आती हैं तो हम इसे खुद से भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमें ये ऑप्शंस वाला है तो हम इसको साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट इज रश्मि आज श्वेता ए ब्लैंक। अब इसको भी हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। व्हाई डू यू लुक? लुक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये पास्ट में क्या बन जाएगी? सेकेंड फॉर्म। सो इसका बन गया लुक्ड। वाई शी लुक्ड सो वरिड? सो यहाँ पर देख लेते हैं, लुक्ड है लास्ट ऑप्शन में, डी इज द राइट ऑप्शन। वाई शी लुक्ड सो वरिड? नेक्स्ट इज श्वेता टोल्ड हर विद कंसर्न दैट, आई का क्या बन जाएगा? शी। हैव का बन गया हैड। शी हैड नॉट प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम्स। सो ऑप्शंस में चेक करते हैं, हैज विल हैड वुड, सिर्फ सी में दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन इज सी, शी हैड नॉट प्रिपेयर्ड वेल। बाकी सारा यहाँ पे गिवन है। सी इज रश्मि एश्योर्ड हर नॉट टू वरी एज रीडिंग जर्नल आर्टिकल्स फ्रॉम मैगजीन्स और न्यूज़पेपर डेवलप्स रीडिंग स्किल्स। सो दिस इज अ सजेशन। तो यहाँ पर डेवलपिंग का बन गया डेवलप्स, क्योंकि जब भी एक पर्टिकुलर हैबिट को बताना होता है तो उसका बन जाता है सिंपल प्रेजेंट, तो डेवलप का बन गया डेवलप्स। यहाँ पर कोई भी फॉर्म चेंज नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ पर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज हुई है, तो डेवलप्स बन गया। तो इसी को हम ऑप्शंस में ढूंढ लेंगे। न्यूज पेपर्स डेवलप, डेवलप्ड, डेवलप्स, डेवलपिंग। सो डेवलप्स हमें मिल गया, इट इज इन द सी ऑप्शन एंड न्यूज पेपर डेवलप्स। तो ये दिखने में काफी लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। सो दीज आर द आंसर्स, आपने इसको जरूर प्रैक्टिस करना है। काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया होता और एग्जाम में देखकर वो घबरा जाते हैं। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट है और ये भी कॉमिकल फॉर्म में है। सो पिक्चर से हमें लग रहा है देयर इज अ बॉय एंड हिज मदर। बॉय सेड आई वॉन्ट गो टू स्कूल टूडे, मदर बट वाई? बॉय, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। अब इसी का हम इनडायरेक्ट फॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट इज विनू टोल्ड हिज मदर दैट, सो इस बॉय का नाम है विनू। ही टोल्ड हिज मदर दैट, आई का बन गया ही। वॉन्ट का क्या बन जाएगा? वुड नॉट। ही वुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे। सो हमें चेक करना है वुड नॉट, did not, do not, would not. So C option is the right option. He would not go to school that day. यहाँ पर given है. Next is the mother asked him. अब यहाँ पे mother का dialogue सिर्फ इतना दिया है, but why? इससे हमें किसी भी tense का पता नहीं चल रहा, तो हम options को देखते हैं. So there are 4 options. If नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर why already given है, तो first option cut हो गया. Second is Why he want to go, ये भी नहीं आएगा क्योंकि जो पूरा पैराग्राफ है जब हम उसको इनडायरेक्ट करते हैं वो पास्ट बन जाता है, तो यहाँ पर want है तो ये गलत है. अब हमारे पास बचे 2 options, Why didn't he want to go और why he did not want to go. So right is the D1, why? क्योंकि जो why है इसके साथ ही आएगा, Why he didn't want to go, और ऊपर वाले में पहले did not दिया है तो ये गलत है. Right answer is D. लास्ट इज वीनू रिप्लाइड दैट आई हैव नॉट डन माई होमवर्क. सो वीनू रिप्लाइड दैट, आई का बन गया ही, हैव का बन गया हैड, नॉट और डन सेम रहेगा. ही हैड नॉट डन, माई का क्या आ जाएगा? हिज. ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क. सो हमने डायलॉग को यहीं कन्वर्ट करके देख लिया, अब हम इसको ऑप्शन में चेक करेंगे. सो द ऑप्शन आर, इसमें है डिड नॉट,
हैड नॉट, हैजंट, डजंट. सो हमारा क्या राइट आंसर था? ही हैड नॉट, क्योंकि वहां पर हैव लगा हुआ था. सो राइट ऑप्शन इज बी, ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क. सो दिस इज डन. नरेशन जो कि कॉमिक फॉर्म में है उसको भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व की है. एंड दीज आर द आंसर्स. सो दिस इज द एंड. होप आपने 10 की 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे और इसके बाद आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड डू कमेंट. थैंक यू. बाय बाय.